देखो भाई अभी कितने पटाखे रह गए थे जलाने वाले, अभी रखे हुए हैं। बाहर का माहौल देखते हैं कैसा। पटाखे बताओ, अभी भी पटाखे चल रहे हैं? देखो कुछ भी नहीं दिख रहा, साफ करा दिया भाई सारा कुछ। उतरी कैंडल अभी तक चल रही है भाई, ये उतरी देखना भाई, मतलब बेस्ट कैंडल हैं। रात को सोने में बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे तो उठने में भी लेट ही होंगे, और वैसी बात है। और रात को मैंने एडिटिंग वगैरह भी साथ के साथ ही, फिर वो सभी उठा ही हूँ, आधी वो सभी सोई आधी स्लीपिंग। तो भाई मैंने पानी गर्म कर लिया है, गर्म करके अपना मलासन में बैठ के सुबह सुबह पीना है। तो ऐसे करके पानी कंप्लीट करते हैं, फिर आगे का प्रोसीजर आज के दिन का स्टार्ट करते हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। वैसे मैं सुबह सुबह कोशिश ये करता हूँ कि मैं लाइट फूड लूँ, जैसे कि चीला हो गया और साथ में सलाद हो गया, पहले वही खाऊंगा। तो वैसे ही करना है भाई, ठीक है ना, नहीं तो और अब अल्लम अल्लम खाऊंगा तो काम फिर वहीं पर आ जाएगा फिर दोबारा। और आज हाँ, आज की मूवी भी बुक है, आज मूवी भी देखनी चलती। हेलो दोस्तों, हरे कृष्णा। तो कैसे हो आप सब, होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई मैं नहा धो लिया हूँ और खाना वगैरह भी हो गया मेरा। और कई लोग, मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ, कई लोग ना मुझसे पूछते हैं कि भाई पहले आपका वेट था बहुत ज़्यादा 73 अराउंड और अब बहुत कम हो गया है। देखो यार, मेन रीज़न, इसका मेजर रीज़न योगा भी है, लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि मैं ना खाता बहुत कम हूँ, मतलब कुक्ड फूड मैं बहुत कम खाता हूँ, जैसे कि हो गया खाना, रोटी, चपाती, ये मैं बहुत कम खाता हूँ। और मैं अनाज लाइक गेहूं नहीं खाता हूँ, बाकी और खाता हूँ, मिलेट्स वगैरह का खाना खाता हूँ, रोटी खाता हूँ उसकी में। और मैं ना एक मेथड यूज़ करता हूँ जो कि आप भी कर सकते हो यूज़, जैसे कि मैं जो मेथड यूज़ करता हूँ वो यूज़ करता हूँ, मैं खाने से पहले ना सलाद खाता हूँ, अपने वेट के अकॉर्डिंग खाता हूँ। जैसे मैं आपको एक राउंड अबाउट एक फिगर दे देता हूँ, जैसे एक वेट मेरा वेट है 70 के हिसाब से देता हूँ, थोड़ा ईजी रहेगा कैलकुलेशन। आपने 70 डिवाइडेड बाई 2 करना है, ठीक है, आ जाएगा 35, और 35 मल्टीप्लाई बाय 10 आ जाएगा 350। तो इतना आपने अपने वजन के अकॉर्डिंग, एक 70 किलो का बंदा 350 ग्राम सलाद खाए खाने से पहले, मतलब दो प्लेटें लगा ले। जैसे मैं खाने से पहले, अब जब से योगा से आया हूँ ना भाई, मैं तब से मैं यही रूल्स फॉलो कर रहा हूँ, एक खाने की प्लेट होती है मेरी और एक होती है सलाद की प्लेट। तो पहले मैं अपना सलाद कंप्लीट करता हूँ, 300 ग्राम जितना भी होता है मेरा, 350 ग्राम वो कंप्लीट करता हूँ। वैसे हालांकि मेरा वेट अब 65-66 के अराउंड है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता हूँ सलाद। तो क्योंकि जब आप सलाद खा लोगे ना भाई, तो अगर आपको चार रोटी की भूख है तो आप सिर्फ दो ही खा पाओगे, हो सकता है आप एक ही खा पाओ, क्योंकि आपका सलाद से पेट भर जाएगा। तो आप मोटे या चर्बी आपकी पेट की वैसे ही नहीं आएगी। और बाकी और भी कुछ होता है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर सकते हो, मैं इसमें आपको शॉर्ट कंटेंट बताता रहता हूँ, आपको हर चीज़ मतलब बॉडी के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपको बताता रहता हूँ। तो ये एक मेजर रीज़न है मेरा लाइक पतला होने का। कई लोग बोलते हैं भाई आपने बड़ा वजन कम कर लिया, मेरे कुछ फ्रेंड्स आते हैं तो वो बोलते हैं भाई आपने ये लाइक जो लाइन कैसे निकाल ली, जो मैंने कहा भाई ये कुछ नहीं है जो लाइन वगैरह, ये सिंपल चलता है, बस खाने के ऊपर थोड़ा परहेज है मेरा, मतलब मैं खाता ज़्यादा नहीं हूँ, खाता हूँ मैं अनकुक्ड फूड ज़्यादा खाता हूँ, जैसे कि सलाद हो गया, जूस हो गया, मैं वो पी लेता हूँ, और जो पका हुआ खाना है वो मैं कम खाता हूँ। वो अपने आप ही कम जाएगा जब आप एक सलाद पहले खा लोगे एक बाउल भर के, जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा भी रहा हूँ कि जैसे मैं पहले सलाद खा लेता हूँ दबा के, उसके बाद आज मैंने चीला खाया था और थोड़े से दाल चावल खाए थे। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं छोड़ दो खाना, नहीं खाओ, दिल करता खाओ, लेकिन उससे पहले ना अकॉर्डिंग टू योर वेट अपना एक सलाद का बाउल ले लो और वो खा लो, फिर उसके बाद आप कुछ भी खा लो, चाहे आप गेहूं की रोटी खाओ, दाल चावल खाओ, कुछ भी खाओ, क्योंकि आप उतना ही खा पाओगे जितना आपको उसके बाद भूख रह जाएगी। हाँ, अगर आप सलाद नहीं खाओगे तो भाई आप 4 या 5 रोटी भी खा जाओगे। वैसे मेरा मानना ये भी है यार, भूख से ना कम खाना चाहिए, ये लिखा भी हुआ है भाई हर चीज़, मतलब हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो यही करते थे, खाना भूख से कम खाओ, क्योंकि फुर्ती शरीर में फिर वैसी रहती है। आप भी कोशिश ये किया करो कि खाना भूख से कम खाया करो। कई बार ऐसा होता है सलाद भी नहीं होता तो आप थोड़ा खाना भूख से कम खाओ, ऐसा नहीं होता यार कि भूख से कम खाया तो बंदा मर जाएगा, ऐसा नहीं है, बस थोड़ा ये चीज़ का परहेज रखा करो। तो चलो, आज का अपना हो गया डन, कंप्लीट हो गया सारा कुछ, मैं नहा धो के आ गया हूँ। और जो मैं आपको ये चीज़ें बताना चाहता हूँ कि हर दिन आपको कुछ ना कुछ एक मैं एडवाइस या आप बता सकते हो योगा से जुड़ी हुई चीज़ या आयुर्वेद से जुड़ी हुई चीज़, मैं कुछ ना कुछ बता दूंगा। इवन मैं अपने इंस्टाग्राम पर बताता रहता हूँ कुछ ना कुछ, आपको जो बेटर लगे आपकी सेहत के लिए अच्छा हो वो मैं बताता रहता हूँ। तो अभी अपना हमने जाना है मूवी के लिए, आज मूवी बुक की हुई है, मूवी का नाम है वेनम, ये लास्ट पार्ट है वेनम का, थर्ड।
दो मैं देख चुका हूँ, मुझे अच्छी लगती है। और मूवीज का भाई मेरे को बहुत गंदा कीड़ा है, मैं मूवीज बहुत देखता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ। तो चलो अभी मूवीज के लिए निकलते हैं, मूवी के लिए आधे घंटे में निकलते हैं। आदि नहा रहा है और मैं अब रेडी हो गया हूँ, मैंने कहा चलो आपसे बात कर ली जाए थोड़ी सी, तो ठीक है ना भाई। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा यार, आप अगर अपनी लाइफ में योगा को और आयुर्वेद को पैरेलल रखते हो ना यार, तो एक तो बीमारी आपके पास नहीं आती और दूसरा आप फिट बहुत रहते हो और आपका दिनचर्या सुधरता है, टाइम टेबल बनता है। मुझे अच्छा लगता है अभी आपको कल परसों से, मतलब कुछ दिनों में ना यार, मैं इन दिन थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, पीछे मेरे को अभी जाना भी है एक दो जगह, लेकिन मैं फिर भी अपना रूटीन सही रखूँगा ताकि सुबह अकॉर्डिंग, मेरा टाइम के अकॉर्डिंग सुबह जैसे जल पी लेता हूँ मैं मलासन में बैठ के, उसके बाद जल नीति करना है जो आइस का कर रहा हूँ, अभी नहीं मैं कर रहा हूँ आइस का, वो मैं कल परसों से स्टार्ट कर दूंगा करना। तो आप देखते रहना मेरे व्लॉग्स और मुझे प्यार देते रहना, ऐसे ही मैं आपको कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा गाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो चलो भाई अभी निकलते हैं, भैया से पूछता हूँ, भैया हुआ आप कहाँ आदि? ना लिया ब्रो, कपड़े ऊपर, नाता नीचे है, कपड़े ऊपर। भाई ये बंदा अंग्रेज है हमारा, सही है। कल पटाखे फोड़ के मजा आया? कल ठीक था भाई मेरे, सच में यार यहाँ पे ना आंख में अनार डलते डलते बच गया। तो चलो भाई अब चलते हैं, आपको सीधा उधर ही मिलते हैं। वैनम, ये वैनम का लास्ट पार्टी है क्या? हाँ जी, इसके बाद नहीं आएगी वैनम? तो भाई देखनी बनती है, और मैं सबसे लेट जा रहा हूँ मूवी देखने के लिए, सबसे लेट जा रहा हूँ मैं, मेरे ख्याल से आज कल में उतर जाएगी ना, कल लास्ट डे है क्योंकि उसके बाद ही बुकिंग दिखा दे रहा है, तो भाई कल लास्ट एक सिनेमा रह गया जिसमें आ रही है, वो भी एक टाइम पे बस। ठीक है भाई, तो आज जल्दी जल्दी आशा रहे हैं कि उतरने वाली है, और अपन देख रहे हैं हमारा टाइम का जो है पार्टी का, तक नहीं उतरा मेरा कर, इसको बोलते हैं गंदी तरह से नहाना, अच्छी तरह से लगा के नहाया कर भाई। चलो भाई चलते हैं अब। यार मैं सोच रहा हूँ शर्ट पहनू ना पहनू, थोड़ी सी हल्की सी ठंड होगी है, वैसे अभी हम जाएंगे इतनी धूप तो होगी नहीं। वैसे मेरे को ना आज ट्रैक सूट पहनना था, मैंने पहना नहीं आज ट्रैक सूट, क्योंकि उसका अपर यहाँ है और जो बॉटम है वो चंडीगढ़ है। मेरे ऐसे होते हैं भाई, 70% कपड़े मेरे इधर होते हैं, 30% उधर होते हैं, और कुछ कहीं पड़े हैं कुछ कहीं पड़े हैं। 70-30-100 हो गए, बाकी कुछ कौन से परसेंट है? मेरे 110 होते हैं ना यार। अच्छा, मैं 100 में नहीं आता ना, मेरे 110% कपड़े तो उस हिसाब से रखते हैं। तो चलो भाई निकल रहे हैं, मैंने शर्ट उतार ली थी, गर्मी लगने से शुरू हो गई थी, घड़ी पहन ली है, तो चलो चलते हैं। ओ भाई अभी तक चल रहा है ये यार, आधी भाई रिकॉर्ड है इसका, मेरे को लग रहा है 24 घंटे का, ये देख लो अभी तक चल रहा है, अभी तक चल रहा है, भी नहीं चली इसके बगल में। हाँ बस इसमें देखो हवा नहीं लगी ना तो चल रहा था ये। तो चलो भाई अब निकलते हैं मूवी देखने के लिए, और बहुत टाइम बाद जा रहा हूँ भाई थिएटर में मैं मूवी देखने के लिए। मॉल में तो आ गए हैं इसमें, क्योंकि इधर ही लगी हुई है मूवी और यहाँ पे गाड़ी घुस नहीं रही है, प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमने ऐसे लगा दी है गाड़ी, पूछ के हमने ऐसे लगा दी, हमने कहा यहीं पे लगा देते हैं यही सही है, नहीं तो यार यहाँ पे चढ़ नहीं रही, दिक्कत हो रही है, एजेस लग जाते हैं। ठीक है ना ब्रो, चला जा चला। कुछ बंद पड़ा है ना भाई, मैं खुद इस मॉल में पहली बार आया हूँ, लुक्स भी बंद पड़ा है, ऑलमोस्ट सब कुछ बंद पड़ा है यहाँ पे, तो मैं ले ले यार इतने टाइम में पहली बार आया हूँ यहाँ पे, फर्स्ट टाइम, वो भी मूवी यहीं पे लगी हुई है कहीं और नहीं है, इसलिए यहाँ पे आ गया मैं। हमेशा इस मॉल को अवॉइड ही करता हूँ क्योंकि पता नहीं इसकी स्क्रीनिंग कैसी है। हाँ ये भी बात सही है भाई, आदि मेरी वेट कर रहा था कि मैं आऊँगा तब ये देखने जाएगा मेरे साथ। तो भाई एंट्री ले लेते हैं पहले, मेरे को फोकस करो भाई, दोनों मैं पहले बता रहा हूँ, सिर्फ ये खा रहा हूँ पॉपकॉर्न मैं भी, और कुछ नहीं, और यार अपने रेड बुल जाएगी बट यार मेरा दिल था वैनम देखने का, तो इसलिए मैं आ गया, देखो हल्की हल्की लाइटिंग ये बंद हो जाएगी, यहाँ पे लाइट है। इस प्यासे को पानी पीना है, दारू नहीं, मर गए पानी नहीं पीते, मैं उठा जाम लगा वो कर खटे। आपके इतने सारे हाथ आए कहां से? ऑफर में मिले तो ले लिए मैंने। ये जानवर इतना खूंखार है कि तेरी मुंडी
फूल की तरह तोड़कर बास्केटबॉल बनाकर तेरी बास्केट में डाल देगा। साथ में यात्रीगण कृपया ध्यान दें, मूवी स्टार्ट नहीं खत्म हो चुकी है, अब हम भी जा रहे हैं बाहर। लेकिन यार लाइट के सामने क्या हो गया मेरे इसको। चल भाई बेस्ट टेक, बाय बाय, मूवी अच्छी थी। तो चलो भाई मूवी देखने के बाद मैं आ गया हूँ घर पे। मूवी बहुत अच्छी थी, मज़ा आ गया देख के। कह रहे हैं कि ये लास्ट ही पार्ट था, अब इसके बाद मूवी नहीं आएगी वेनम की, बट मुझे नहीं लगता लास्ट है, इसके बाद भी आएंगी मूवीज़। विदा लेता हूँ आपसे मैं, आज का व्लॉग यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैं आ गया था घर पे और कल से अपना दिनचर्या वही, अपना योगा लाइक स्टार्ट हो जाएगा सुबह से, जो करना है देखना मुझे। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, लाइक शेयर सब्सक्राइब, आप मेरी मोटिवेशन के लिए प्लीज करते रहना। तब तक के लिए बाय बाय।